सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट हेमंत फॉर यू चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड, दिस इज हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट हेमंत फॉर यू। किस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से यहां पर रिचार्ज कर सकते हैं एयरटेल थैंक्स मोबाइल एप्लीकेशन से। ठीक है, जैसे कि आप यहां पर रिचार्ज करते हैं किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन से रिचार्ज करते हैं, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अमेजन पे, बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन हैं जिससे कि आप ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका अगर आप एयरटेल सिम यूज करते हैं तो आपके लिए स्पेशली सजेस्ट करूंगा कि आप यहां पर एयरटेल थैंक्स मोबाइल एप्लीकेशन से रिचार्ज कर सकते हैं। यहां पर आपको बहुत सारे ऑफर भी रहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर मैं आपको एक छोटा सा रिचार्ज करके बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मेरी सिम एयरटेल सिम में डेटा पैक एक्टिवेट है। ठीक है, 3 मंथ का या 2 मंथ का। ठीक है, 2 सिम यूज करता हूँ, दोनों एयरटेल है, तो दोनों में मेरा डेटा पैक एक्टिवेट है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ऑफर दिखाऊंगा प्लस का एक छोटा सा रिचार्ज करके भी बता दूंगा। ठीक है, कि किस तरह से आप यहाँ पर रिचार्ज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे आपको यहाँ पर लाइक का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मैं एयरटेल थैंक्स मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया, अभी तक आपने इसको इंस्टॉल नहीं किया है और आप एयरटेल की सिम यूज करते हैं तो इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर सीधे प्ले स्टोर से भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि होम पेज पर ही आपको रिचार्ज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, या फिर आप इसको रिचार्ज का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है या फिर इसको यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्यू ऑफर, ऑफर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ऑफर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं ऑफर को भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे ऑफर हैं तो एक बार आप इन ऑफर को भी चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे यहाँ पर मिडिल में यहाँ पर आर लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रिचार्ज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑफर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि फ्लैट 20 कैशबैक ऑन रिचार्ज 149 179 219 बाय एयरटेल वॉलेट, वॉलेट से करेंगे तो 20 रुपये कैशबैक मिल जाएगा। ठीक है, फ्लैट 40 रुपये कैशबैक मिल जाएगा अगर आप 249 279 598 का रिचार्ज करते हैं एयरटेल पेमेंट वॉलेट से। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर इसका यूज कर सकते। ठीक है, ये तो आपके ऑफर हो गए। अब यहाँ पर आप जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है रिचार्ज का ऑप्शन। ठीक है, तो रिचार्ज पर आप क्लिक कर दीजिएगा। रिचार्ज पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जिसका भी करना है, मोबाइल रिचार्ज या डीटीएच आता है एयरटेल का उसका या डेटा कार्ड का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मोबाइल रिचार्ज पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर आपका जो सिम नंबर है वो डिलीट कर लेगा या फिर जो भी आपका जिससे लॉगिन किया होगा, अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पर क्रॉस पर क्लिक कर दीजिएगा तो ये चेंज हो जाएगा और यहाँ पर फोन बुक आ जाएगा तो जितने भी आपके मोबाइल में नंबर सेव होंगे तो वो सबको डिलीट कर लेगा या फिर मैनुअली आप यहाँ पर नंबर को फिल कर सकते हैं। ठीक है, जब मोबाइल नंबर फिल करेंगे तो वो आप ऑटोमेटिकली डिलीट कर लेगा कि ये नंबर किसका है, कौन सी सिम है। इस यहाँ पर आप किसी भी सिम का रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप केवल एयरटेल का कर सकते हैं, किसी भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको पैक, ऑल पैक पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो ये आपका सारे पैक आ जाएंगे। ठीक है, कि कौन सा प्लान है। ठीक है, जैसे कि रिकमेंडेड में ये आपके ये आ रहे हैं कि ये रिकमेंडेड है। ठीक है, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड चाहिए तो ये आपके अनलिमिटेड है। ठीक है, और स्मार्ट पैक रिचार्ज दिया हुआ है, फिर डेटा का रिचार्ज दिया हुआ है, फिर टॉक टाइम का दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरे सिम में ऑलरेडी यहाँ पर डेटा है तो और डेटा पैक एक्टिवेट है तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा रिचार्ज करके आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं 10 रुपये का यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, 10 रुपये का मैंने क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप किस तरह से पूरा प्रोसेस करेंगे तो आपको जितने का भी करना है उतने का आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ एयरटेल मनी, तो यहाँ पर मैंने पेमेंट करने के लिए यूपीआई को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर मैं अपना यूपीआई पिन फिल कर दूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोसेसिंग पेमेंट। तो यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं तो जिससे भी आपको पेमेंट करना है तो उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको लिख के आ गया आसम, यू जस्ट डिड ए 10 रुपीज़ रिचार्ज और ये मोबाइल नंबर आ गया और ये आ गया। ठीक है, तो हमारा 10 रुपये का रिचार्ज हो गया। ठीक है, डन पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हमको मैसेज भी आ गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मुझे मैसेज मिला हुआ है कि यू हैव एन्जॉयड टॉक टाइम और वर्थ रुपये 7.47 और ये 10 रुपये डेबिट का आ गया और ये 10 रुपये हमारा इनिशिएट का आ गया। तो ये सारे हमको मैसेज भी यहाँ पर आ गए हैं। तो इस तरह से हमारा रिचार्ज हो गया है। तो इस तरह से अगर आप एयरटेल थैंक्स मोबाइल एप्लीकेशन से रिचार्ज करना चाहते हो तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको डेली कुछ मैसेज मिलता है, नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑन कर लीजिएगा जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।